झगड़ा हुआ था जिसमें कुछ लोग अरेस्ट हैं, अभी तक बेल भी नहीं हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा था कि दोनों को बैठा के आपस में सुलझा दिया जाए, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना हुआ। जो भी हुआ हम इसकी निंदा करते हैं और मैं हाथ जोड़ के आवाम को एवं मीडिया को एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको पॉलिटिकल रंग न दिया जाए। ये दो लोगों के घर का आपस में इमामुद्दीन अंसारी कैसे शख्स? देखिए, मेरे साथ उसका इखलाक बहुत अच्छा था। वो भले ही कांग्रेस पार्टी करता था, लेकिन सच बताऊं उसके साथ मेरा इतना अच्छा टर्म्स था। उसके बड़े भाई हैं फखरुद्दीन, उसके और एक भाई है शाम, जो सारा दिन मेरे साथ ही रहता है। तो इमाम का विचारधारा अलग था, लेकिन वो हम लोगों में एक था। हमारा छोटा भाई जाता था और हमारे साथ हमेशा उसका सलाम हुआ ऊपर। और सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है, और जिस तरीके से पता चला उनके वाइफ ने 2-3-4 दीदी भी की हुई थी, मगर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जो उनके वाइफ है। उनका कल दुपट्टा को खींचा गया, टॉर्चरिंग हुआ। देखिए कल की बात है, उन्होंने क्या बोला, 7:30 वो मीडिया में बोली, वो चीज मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया था और उनके एक्शन पे एक लड़के को अरेस्ट भी किया गया। तो बाकी दुखित है, वो कुछ भी बोल रही हैं, मेरे को उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि कल थाने ने एक्शन लिया था और उनके कंप्लेन के तहत एक लड़के को अरेस्ट भी किया गया था। बात था कि हम लोग आगे देखेंगे, तो होगा जो भी इसके पीछे होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं यही हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब सचिन सिंह साहब, जो वार्ड नंबर 36 के काउंसलर हैं। उन्होंने भी कहा कि चलिए जो भी इसके पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और पुलिस का काम है कि तफ्तीश जारी रखे, और जिन्होंने भी मर्डर किया है उस मर्डर को जो है आखिरी दम तक पहुँचना चाहिए। इसलिए कि मासूमों का मर्डर, किसी भी इंसान का मर्डर होना, किसी भी सोसाइटी में शख्स का मर्डर होना, ये बहुत ही बुरी खबर है। और जान देने का मामला और इस तरीके से मौत का मामला, सारे मामला जो है परवरदिगार के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में नहीं होता, किसी की जान ले ले नहीं ले ले। मैं बता देना चाहता हूँ, यही वो गली है जो इमाम अंसारी का डेली से गुजर होता था, इसी गली में वो आना जाना था। ये वही लोग हैं जो इमाम अंसारी के साथ रहते थे, और ये लोग उनसे मिलने जुलने वाले हैं, उनके साथ मिले होंगे, जुटे होंगे। ये वही जगह शायद आप इसके बाद जो है इमाम अंसारी का पैर इस गलियों में आप कभी भी नहीं पड़ेगा, बस उनकी यादें हमेशा उनके साथ रह जाएंगी। सारे लोग जो है उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं, सभी लोग उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं, मगर एक जालिम, एक मर्डरर ने, एक कातिल ने उनको मर्डर करके जा चुका है ऑलमोस्ट 4-5 बजे के दरमियान में। मगर जैसा कि पता चला है कि दो फरीक के, दो जाति ग्रुपों के दरमियान ये झमेला था काफ़ी दिनों से, तकरीबन 15-20 दिन मतलब ईद के बाद से ही चल रहा था, और उनकी वाइफ ने जीटी भी करवाया था और कल उनके दुपट्टा के साथ भी खींचातानी हुआ था। तो अगर इसको कबल अज वक्त, मतलब वक्त से कबल ही सब चीज़ पर अगर निशानदेही कर ली गई होती, या फिर जो लोग इस किस्म की वारदात कर रहे थे वो टॉर्चरिंग कर रहे थे, घर में आना जाना था कंटिन्यू, उनके घर का कैमरा को जो है समझिए कि तोड़ दिया गया था, उनके घर में लड़के लोग आते जाते थे, अगर इस पर एक्शन ले लिया गया होता तो शायद ये हादसा होने से बचा था। बात कर और एक चीज बोलना चाहते हैं, हम उनसे बातें करेंगे। आप इमाम अंसारी के साथ जानते थे? नहीं, हम तो कल आए, मिलना जुलना था उनसे? नहीं, ना कैसे इंसान? वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको बुलाया गया, तो एक नाम था उनका दोस्त था, उनको बुलाया गया कि आओ तुम्हारा वहाँ मर गया, वहाँ जाके जैसी हुआ वहाँ पर क्या बात है, बिल्कुल देना पड़ेगा। इनाम भाई वहाँ से भाग रहे थे, इतना उसको लग गया था वो दौड़ नहीं सक रहे थे, वो दौड़ नहीं सक रहे थे, समझ रहे ना। तो वे में इमाम भाई गिर गए में से वो लोग जांच ले लिया, वो लोग बाहर के, हम तो बाहर का है, हम यहाँ पर नहीं रहते, हमारा घर है नारकिल डांगा पर, मगर इमाम भाई मेरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझेंगे। इमाम भाई जो था अच्छा था, समझेंगे हम लोग को दुख हुआ, मेरे लोग भी बहुत ऐसा कुछ भी केस पेज में इमाम भाई हम लोग के लिए करता था, समझेंगे हम ऐसा बात हुआ है अलग से थोड़ा चाहिए, मेरे को बाहर जाए।
चलिए कुछ लोगों से हमने बात की, जानने की भी कोशिश की, लोगों ने बताया भी कि अच्छे इंसान थे, सामाजिक काम करते थे, इस तरीके से बताया। मेरे भाई बहुत अच्छे थे, वो नेक भी थे, हम लोग बहुत मदद करते थे, उनको तो आज भी पूरे तरीके से माना था, तो कुत्ता को इंसान नहीं माना, बहुत अच्छे थे, हर इंसान का मदद करते, हर इंसान का मदद, बहुत अच्छे, इतना अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान थे हम लोग, बहुत बहुत हेल्प किए, ठीक है ना, हर चीज का मदद करते थे, हर चीज का, लेडीज से लेके जेंट्स तक का सबका मदद, बहुत अच्छे इंसान, उसका गलत हुआ है तो अब वो भी क्या करेंगे, उसके घर का आदमी भी, छोटे छोटे बच्चे को बात से ना मुमकिन कर दिया, इतने अच्छे इंसान थे हमारे भाई, मोहल्ला के भाई बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत मदद, देखिए ये सब खातून है, ये सब लड़के हैं, उनकी गुणगान कर रहे हैं, मगर आप जाते रहेंगी, मगर काम काचे बहुत लोगों को साथ देते थे, सहयोग देते थे, मगर जिस तरीके से उनकी बेबा ने जिन लोगों ने गलत किया था उनका नाम बताया है, तो नाम बताने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो है हुकूमत पुलिस अदालत कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि और किसी मासूम का जान ना जाए, और किसी का समझे मर्डर ना हो, किसी का कत्ल ना हो, किसी को हलाक ना किया जाए, जब तक हुकूमत, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक पुलिस अदालत मुजरिमों को सख्त सजा नहीं देगी, जुर्म बढ़ता हुआ जाएगा, जुर्म कंटिन्यू होता जाएगा, जुर्म के ऊपर अगर लगाम लगाना है, जुर्म को कंट्रोल करना है, तो मुजरिमों को सजा सुनानी पड़ेगी और सजा देना ही भी पड़ेगा, चाहे मुजरिम करने वाला कोई भी, जुर्म करने वाला कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी तरीके का भी हो, इसलिए कि आप जानते हैं कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, किसी इंसान के हक में नहीं है, और ये घटना घट चुकी है, मर्डर हो चुका है, इमाम अंसारी आप दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक लड़की एक लड़का, उनका देख रेख कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा, एक बेवा, तो समझ लीजिए कि क्या पहाड़ टूटा है, नहीं टूटा, शायद दर पर तो बहुत सारे गरीब लोग को और जरूरतमंदों को हेल्प मदद भी करते रहे होंगे, सारे चीज़ें खत्म हो गई, एक ही चीज़ है कि अदालत पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी सजा दे मुजरिम को, कातिल को ऐसी सजा दे कि आइंदा 10,000 बार सोचना पड़े, मगर इसके पीछे क्या वजूहत है, नहीं है, क्या रीज़न है, और भी इसकी तफ्तीश बाकी है, जैसा कि बताया गया है, वो ब्लॉक 36 के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, ये सब सारा मामला भी है, नॉर्थ कलकत्ता में इलेक्शन भी है, फर्स्ट जून को ये भी देखना है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ बने रहिए हमारे साथ, हमेशा सच्ची पक्की खबर लेकर के आपके दरमियान में आते हैं, हमेशा सही को सही बोला हूँ, झूठ को झूठ लिखा हूँ, और कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगा करके डायरेक्ट आपके खबर ग्राउंड रिपोर्ट से जमीनी स्तर से आपके दरमियान देता हूँ और देता रहूँगा, और दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी जान, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.